सालों में आप लोगों ने भी कुछ दिया नहीं इनको। शुभांकर, केजरीवाल की सरकार से दिल्ली का हर आदमी खुश है। केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लोगों को जो मूलभूत सुविधा देनी है वो दी। ये केवल और केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं, अपनी छवि चिपकाने के लिए जनता का बिल्कुल ख्याल नहीं। ये तो कह रहे हैं कि हमने बसों में टिकट फ्री कर दिया। अरे बसों में टिकट फ्री करिए, बसों की हालत देखिए आपने। बसें नई नई आई है, कितनी अच्छी बसें कांग्रेस के राज में चल रही थी, वो बसों की हालत देखिए। 28 लाख नौकरियों की बात की थी, कहाँ गई वो नौकरियाँ? देखिए, एक आरोप आप पर लगता है कि जो आदमी दिल्ली में पहले पौवा पीता था उसको आप लोगों ने खम्मा पकड़ा दिया है। शुभांकर, दिल्ली एमसीडी का चुनाव है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव साफ सफाई पे होगा, नालियों की सफाई पे होगा, कूड़े। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है दिल्ली एमसीडी, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है दिल्ली एमसीडी, भ्रष्टाचार मुद्दा। एक ही मुद्दा है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू। केजरीवाल मॉडल क्या है? केजरीवाल मॉडल है भ्रष्टाचार मॉडल। भ्रष्टाचार हटाने की बात करके आए थे, इनकी खुद की काउंसलर 20,000 रुपए रेडी से उगाही करती हुई पकड़ी गई सीबीआई द्वारा। इन्होंने टिकटों में भ्रष्टाचार किया, इन्होंने पैसे लेकर। आपको डर लगता है केजरीवाल मॉडल से, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा मॉडल भरोसेमंद है। मुझे जनता को डर लगता है कि सब शराबी बने हुए हैं, सबको शराबी, जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, यही है केजरीवाल मॉडल। लेकिन 17 साल में मसाज, लेकिन जेल में मसाज, ये डेली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। इनकी बुराई आपने कर दी, इनकी बुराई आपने कर दी, मैंने बताया। लेकिन आपने क्या किया? 8 लाख गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं एमसीडी स्कूल में, उनको शिक्षा मिली है, स्मार्ट क्लासेस खुले हैं, बेस कलेक्शन, बेस निवारण, वो क्या है? बीजेपी कह रही है हम कॉन्फिडेंट है। बीजेपी ने एमसीडी को लूट लूट के कंगाल कर दिया, दीमक की तरह चाट गए इनके पार्षद मनोज महलावत वसंत कुंज का 10 लाख रुपए की रिश्वत ले तो सर एम सीबीआई ने पकड़ा। इनकी पार्षद कांग्रेस की अमरलता सांगवन 5 लाख रुपए देखिए, वो कह रहे हैं एक रेपिस्ट से मजाक करवाया आप लोगों ने, मसाज आपने एक रेपिस्ट से चंपी करवा ली, पैर दबाकर। शुभांकर, दिल्ली एमसीडी का चुनाव है और मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव इस बात पे हो रहा है कि एमसीडी। अब देखिए, बात ये है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में, करप्शन कूड़े के दौर में जो बुनियादी मुद्दे छिप गए, क्या इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में, इस शोर के बीच में कांग्रेस पिछड़ती जा रही? क्योंकि ये इन पर आरोप लगा रहे हैं, ये इन पर लगा रहे हैं, और ये दोनों कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहे हैं, और इन दोनों से पूछो तो कहते हैं आप कांग्रेस को गंभीरता से क्यों लेते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता या देश की जनता का तो वो हाल हो गया कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने काम किया, ये दोनों तो अपने कह रहे इतना काम कर दिया दिल्ली को हमने, वो आप काम देख ही सकते हैं ना। दिल्ली में बेरोजगारी और दिल्ली में महंगाई की बात कर ले, एमसीडी की बात कर ले, मैं तो साथ में प्रूफ लाई हूँ। हर जगह गलियां टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, हर जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं, ना सफाई हुई है, लोग परेशान है, आम जनता बात कर रही है। आम जनता आज कहती है कि शीला जी ने, वो कांग्रेस को वोट क्यों दे? वो कांग्रेस को इसलिए वोट दे कि कांग्रेस ने 15 साल के दिल्ली सरकार के शीला जी के राज में काम किया। पार्षद तो फिर गायब क्यों हो गए? गायब कहाँ हुए? आप तो विलुप्त, कितने विधायक आपके? नहीं नहीं, कितने सांसद आपके? देखिए, वो जनता जनार्दन का फैसला है, अगर उन्होंने हमें वोट नहीं किया तो ये उनका फैसला। तो क्या क्या वजह थी उनकी? देखिए, अगर वो नहीं हमें वोट करना चाह रहे थे तो देखिए, अगर वो नहीं वोट करना चाह रहे थे तो ये उनका अपना फैसला था, हमने उसको अपनाया, हमने उसका स्वागत किया। आते शांति रखिए, आगे देखिए, आपने कहा केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, आप गुजरात पहुंचे, वहां भी आपने कहा कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अब दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस में हमें दिखाई पड़ता था कि भाई कट्टर ईमानदार पार्टी है, बार बार मैं इसलिए बार बार आ रहा हूं। लेकिन जब एमसीडी चुनाव हम देखते हैं तो खबर आती है कि पैसा लेके टिकट दिया गया, विधायक जी का साला पकड़ लिया गया एसीबी के द्वारा। जब हम इधर देखते हैं तो मसाज का वीडियो निकलता है और मंत्री बने हुए हैं अब तक वो, और एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकली उससे सवाल ज्यादा निकलते सर, क्योंकि आप लोग लोकपाल लाने वाले थे, अन्ना जी की बात आप करते थे और कट्टर ईमानदारी आप गए। आज के टाइम में हालत ये कि आप लोग को जवाब देते नहीं बन रहा है। देखिए, फिर पूछ रहा हूं मैं, ऐसी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं जनता में मैसेज देते कि देखिए एक भ्रष्ट आदमी है, इसका वीडियो निकला, इससे हमारा लेना देना नहीं है, केजरीवाल जी ईमानदार है। शुभांकर, 2015 से लगातार आम आदमी पार्टी के 150 नेताओं पे फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने ला दे, और ये तो वीडियो है, 140 लोग जेल में। अरे हर बार झूठी वीडियो, इनकी झूठी वीडियो, झूठे सिंह, फर्जी पार्टी, फर्जी सिंह। कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था, आपको पता, कोर्ट ने जमानत देने से मना किया और कहा कि प्रथम दृष्टया में सत्येंद्र जैन हमें दोषी लगते हैं। मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री के घर पे भी रेड हुई, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पे भी रेड हुई, हमारे विधायकों पे। सत्येंद्र जैन कहाँ पर है? 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 सत्येंद्र जैन साहब को भारतीय कहा है, अभी कहा है, साजिशन जेल में रखा हुआ है सत्येंद्र जैन।
ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम कट्टर ईमानदार है, हमसे डर के, केजरीवाल से डर के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी सब कुछ हमारे पीछे लगा, रिजाइन करवा दी। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है? नहीं 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 है। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है? सबसे घटिया आदमी है हिंदुस्तान का, कट्टर ईमानदार है, उनको क्या पता, कट्टर ईमानदार है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आज जेल से वीडियो, सत्येंद्र जैन को जानते हैं आप? जानते ही नहीं। चले कोई बात नहीं, दिल्ली वाले कौन कौन यहाँ पर है? आप दिल्ली से हैं? सत्येंद्र जैन का एक वीडियो आज फिर निकला है, फाइव स्टार खाने की बात आ रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है वो अभी भी कट्टर ईमानदार। सब चोर हैं साहब, सब चोर हैं। हम लोग क्या है, 11 रुपए यूनिट बिजली देते हैं, पानी का देते हैं, हमें सब कुछ नहीं। ठीक है।